हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आप लोगों को मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने का जो सही डेट है, जो सही आखिरी डेट है फ्रेंड्स, वो कौन सा डेट है, वो देखने का सही तरीका इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को किसी का बात सुनना नहीं है, आप लोगों को डायरेक्ट खुद से ही अपना मोबाइल से या फिर लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप पे आप लोग खुद से ही चेक करके देख सकते हो कि सही डेट आखिर में कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरा जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज में अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ इस वीडियो को। आधार कार्ड का आखिरी डेट जानने का सही तरीका जो है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा, ताकि आप लोग बिल्कुल सही तरीके को जान सको कि किस तरह से देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और वो तरीका क्या है और आखिरी डेट क्या है, ये आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आखिरी डेट तक आप लोग अपना आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट कर पाओगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, 1 रुपया आप लोगों को देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग अपडेट कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है अपना क्रोम, गूगल क्रोम ब्राउजर में। यहाँ आप लोगों को, तो यहाँ आप लोगों को टाइप कर देना है आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट का नाम, जो कि है udait.gov.in। और यहाँ आप लोगों को सबसे ऊपर ही दिख जाएगा जो लिंक, वहाँ आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ आप लोगों को आपका प्रेफरेड लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप लोग इस वेबसाइट को सही तरीके से चला पाओगे, उस लैंग्वेज को आप लोगों को यहाँ चूज कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ इंग्लिश को ही, तो मैं इंग्लिश में क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ आप लोगों को सबसे पहले देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है इस वेबसाइट को ओपन होते ही। यहाँ लिखा है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आप अपलोड अप टू 14th December 2023, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है, क्या इस इन्फॉर्मेशन को ही आप लोगों को मान लेना चाहिए या नहीं फ्रेंड्स, इस इन्फॉर्मेशन को ही आपको मानना चाहिए या फिर नहीं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। इसे आप लोग क्लोज कर दीजिए, इसे आप लोगों को देखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को जो करना है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको अपना आधार कार्ड को अपडेट करने का जो सही डेट है, जो सही लास्ट डेट है, वो कौन सा है, उसे अगर जानना है तो फ्रेंड्स आप लोगों को आना है यहाँ पे, देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट जो लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ आप लोगों को क्लिक करना है। तो डॉक्यूमेंट अपडेट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग फ्रेंड्स, आप लोगों को रिडायरेक्ट किया जाएगा यहाँ, देखिए इस वे आप लोगों को रिडायरेक्ट किया जाएगा इस पेज पे। तो यहाँ आप लोगों को लॉग इन पे क्लिक कर देना होगा, और जैसे ही लॉग इन पे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ आप लोगों को देखिए मांगेगा एंटर आधार नंबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको एंटर करना है आपका आधार नंबर, और यहाँ देखिए कैप्चा कोड, यहाँ जो कोड लिखा है वो यहाँ पे आप लोगों को डालना है सेम टू सेम एज इट इज जैसे लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों को सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, और जो ओटीपी आप लोगों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा उसे आप लोगों को यहाँ पे डालकर लॉग इन हो जाना है। तो मैं लॉग इन ऑलरेडी करके रखा हूँ आप लोगों को समय बचाने के लिए, तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसे मैं क्लोज करता हूँ, और ये देखिए मैं यहाँ लॉग इन ऑलरेडी करके रखा हूँ, ताकि आप लोगों को समय को मैं बचा सकूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को दिख जाएगा आपका आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट अपडेट करने का सही डेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप लोगों को डेट देखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका ही आधार से जुड़ा सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को इधर उधर और कोई भी इन्फॉर्मेशन को नहीं देखना है, आप लोगों को अपना आधार कार्ड में लॉग इन होके वहीं पे जाके अपना इन्फॉर्मेशन को देख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ सबसे पहले जो दिखा रहा है, देखिए लिखा है डॉक्यूमेंट अपडेट, और रेड रेड कलर में जो यहाँ लिखा है, देखिए लिखा है दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14th December 2023, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, आप लोगों को अपना आधार कार्ड को अपडेट करने का
समय बढ़ाकर कर दिया गया है 14 दिसंबर 2023 तक। तो तब तक आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस सर्विस का लाभ उठा सकते हो, अपना डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो डॉक्यूमेंट अपडेट करने का जो तरीका है फ्रेंड्स, तो वो भी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, तो उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी क्लिक करके आप लोग उसे देख सकते हो। और उस वीडियो को देख कर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आए तो फ्रेंड्स आप लोग सीधे मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आप लोगों के लिए उसका ऊपर भी एक और वीडियो बनाकर डाल दूंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स इस डॉक्यूमेंट को अपडेट करने के लिए सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट्स का आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, इस आधार कार्ड को छोड़कर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें से क्या क्या हो सकता है वो भी इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा फ्रेंड्स। तो इसका ऊपर वीडियो बना के मैं आप लोगों को डाल दूंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल में अगर आप लोग नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करूँ फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो फ्रेंड्स टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।